दोस्तों आज के वीडियो में आप जान सकते हो कि आपने रैबिट सही तरीके से सीखा है या अभी कोई गैप बाकी है, यानी वाइड रेशियो ज्यादा है और सॉलिड रेशियो कम है। इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि रैबिट आपने कितना सीखा है और रैबिट में क्या क्या सीखना बाकी है। अगर आपने कहीं से सीखा है, यानी यूट्यूब से सीखा है, यानी यूडेमी से सीखा है, यानी किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है, इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कितना सीखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको प्रॉपर क्लियर होने वाला है कितना रैबिट आपको आता है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एनिमी, मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सब ने रैबिट सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं से सीख रखा है और रैबिट में आपने गलती क्या की है, आपने रैबिट आर्किटेक्चर सीखा है, गलती नहीं, चलो आपने कोर्स किया है, बट रैबिट आर्किटेक्चर में भी कई चीजें हैं जो आपने क्या सीखा है सच में, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पे आपको वॉल बनाना नहीं पूछते कि वॉल कैसे बनाते हैं। अगर अच्छे तरीके से रैबिट सीखा हुआ तो आपको पता होगा वॉल में लेयर्स कैसे बनाते हैं। क्या पता है आपको? वेरी गुड। नहीं पता है तो आपको सीखना पड़ेगा वॉल में लेयर किस तरीके से बनाते हैं, उसे प्लास्टर की थिकनेस कितनी आउटर प्रोवाइड करते हैं, कितनी इनर प्रोवाइड करते हैं, क्या आपको पता है? अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो गड़बड़ है। उसके साथ ही साथ आप लेवल्स कैसे क्रिएट करते हो, ग्रिड का क्या काम है, ग्रिड, अब कुछ लोग सोच रहे हैं ग्रिड क्या है, ग्रिड आप बनाते हो जिसे आप कॉलम की पोजीशन प्लेस करते हो, ग्रिड का क्या काम है, कॉल आउट कमांड का क्या काम है, कॉल आउट, 3D व्यू किस तरीके से देखते हैं, 3D सेक्शन किस तरीके से कट कर सकते हैं, क्या आपको पता है 3D सेक्शन रैबिट में हम लोग किस तरीके से कट करते हैं, बहुत जरूरी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। फिल्टर कमांड का क्या यूज है, पर्ज कमांड का क्या यूज है, एंड शॉर्टकट किस कैसे तैयार करते हैं रैबिट में, क्या आपको पता है? बहुत से लोग बोल रहे होंगे नहीं सर बहुत गड़बड़ है, जल्दी से सीख लो। मैंने बताया हुआ है, मेरे रैबिट की सीरीज में बताया हुआ किस तरीके शॉर्टकट कीज बनाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको क्या पता है टेम्पलेट किस तरीके से लगाते हैं, कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, टेम्पलेट लगाना आपको आना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको एरिया में जो टैगिंग करते हैं, टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है टैग क्यों करते हैं, टैग के बारे में पढ़ लेना। टाउन प्लानिंग आपने सुना होगा रैबिट के अंदर, क्या आपको टाउन प्लानिंग करनी आती है? अगर आती है तो आपने सही से सीखा है, नहीं आती तो प्लीज उसको सीख लो। रैबिट के अंदर क्या आपको पता है किस तरीके से प्लानिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बाय लॉ? कुछ लोगों ने मुझे क्वेरी डाली थी कि सर एक प्लानिंग बनाओ रैबिट पे बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग। मैंने बोला है उनको कि मैं जल्दी ही उनको बना के दिखाऊंगा, तो उसके लिए भी जल्दी से मैं आपको करने वाला हूँ। सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि 10K सब्सक्राइबर हो जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच सके, तो उसमें भी मैं बताऊंगा। बट आपने क्या सीखा है, अगर आपने कोर्स किया तो डेफिनेटली आपने सीखा होगा, सिर्फ कागज नहीं लिया होगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको और चीज बताना चाहूंगा, क्या आपने बीम कॉलम लगाना सीखा है उसमें रैबिट में? क्योंकि इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बीम और कॉलम बनवाते हैं आपसे। अगर आपने बीम कॉलम बनाना सीखा है तो आपने अच्छे से सीखा है, नहीं सीखा है तो प्लीज सीख लो यार। और उसके साथ ही साथ आज का टाइम हो गया है रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, अभी इंडिया में 3D डिटेलिंग बहुत ज्यादा आ चुका है, तो आप बीम कॉलम लगाने के साथ क्या उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहते हो? बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर उसमें तो रेनफोर्समेंट पढ़ाया ही नहीं जाता। भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर इंटरव्यू में आज के टाइम में प्रीकास्ट का स्ट्रक्चर हो चाहे RCC स्ट्रक्चर हो, उनको सिखाया जाता है कि आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करो, कि आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना आता है। उसके साथ रेनफोर्समेंट कितना लगाया उसकी डिटेलिंग करना आता है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हुए रैबिट सीरीज में, प्लीज उसको जाके वॉच कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा रेनफोर्समेंट। और लास्ट में आपको एस्टिमेशन करना आता है, एस्टिमेशन करना अगर नहीं आता है तो फिर आप गलत जगह जा रहे हो, क्योंकि एस्टीमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है रैबिट के अंदर, बहुत ही अच्छा एस्टीमेशन है, प्लीज उसको भी सीख लो। Part 1, Part 2, Part 3 वो भी मैंने आपको बता रखा हुआ है रैबिट में एस्टीमेशन किस तरीके से करेंगे। इसके बाद आपको क्या रैबिट फैमिली के बारे में पता है, रैबिट फैमिली टेम्पलेट के बारे में पता है, RFT? रैबिट फैमिली में दो फैमिली होती है, क्या उनको से एक पैरामेट्रिक होता है एक नॉन पैरामेट्रिक? भाई साहब इतना ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। अगर पैरामेट्रिक सीखा है तो उसमें किस तरीके से फैमिली फॉर्म करेंगे? कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने टेबल बनाया, मैंने चेयर बनाया हुआ है। भाई गया जमाना अब टेबल और चेयर का। अगर आपको उसमें मैट फाउंडेशन बनाना आता है, आपको अगर उसके अंदर पाइल फाउंडेशन बनाना आता है, उसके सेक्शन बनाने आते हैं, तभी आपने सच में रैबिट फैमिली सीखा है।
चेयर कुर्सी का नहीं जब टाइम रहा, अब वो तो सब बना लेते हैं, चेयर खींचना है बना देंगे, डोर बनाने का कोई अभी किसी के नहीं रहा। अभी लोग क्या आपसे पाइल का, आपसे मैं अभी एक लास्ट इंटरव्यू गया था लगभग 6 से 8 महीने पहले, वहां पे उन्होंने मुझे एक पाइल का सेक्शन दिया था। सेक्शन देके उन्होंने बताया कि इसको पाइल दिखेगा कैसे, सेक्शन दिया था उन्होंने दिखेगा कैसे, वो बना के आप दिखाओ रैबिट फैमिली में। तो फिलहाल तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा कैसे बनेगा, बट थोड़ा सा टाइम लिया तो बन गया मेरे से एग्जैक्टली। तो लेकिन फिर भी शायद 90% बना था, 10% वो भी अधूरा था। तो अब रैबिट फैमिली को बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो प्लीज रैबिट फैमिली को अच्छे से पढ़ लो। और इन सब के साथ अगर आपने अच्छे तरीके से रेंडर करना नहीं सीखा है, रेंडर तो रिजल्ट है, अगर रेंडर करना नहीं सीखा तो सब बेकार है, तो प्लीज अच्छे तरीके से रेंडर करना सीख लेना। और लास्ट में आपको सीट में किस तरीके से प्रिंट करना है अपने ऑब्जेक्ट्स को, काफी लोगों को सिखाया जाता है पर उनको परफेक्ट नहीं रहता किस तरीके से सीट को लाइक सीट में हमको प्रिंट करना है, वो प्रॉपर सीख लेना क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है प्रिंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आपने सीखा है अच्छी तरीके से, एनिमेशन बनाना आपने सीखा है। हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया, मैं जो भी मेरे दिमाग में आता है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यार। तो हमारा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक दो बार मैंने देखा कि लोगों ने बड़े प्लेटफॉर्म यानी 400-500 फीट का प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे थे, तो उनको नहीं पता था कि कैसे ड्रॉ करेंगे क्योंकि ड्रॉ करते स्क्रीन के बाहर जा रहा था। तो उसके लिए आपको व्यू रेंज बढ़ाना पड़ता है, सेटिंग में जाके आप यहाँ पे जाओगे प्रॉपर्टीज में, वहां पे व्यू रेंज होता है, वहां से आप बढ़ा सकते हो कि आपको कितने एरिया में चाहिए। तो यार रैबिट जब तक आप एडवांस लेवल पे नहीं सीखोगे ना, तो सीखा तो है आपने, मतलब नाम के लिए आपने सीखा है बट काम के लिए नहीं सीखा है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं मींस एडवांस लेवल का, तो आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला है, प्लीज मुझे मेरे टारगेट को क्रॉस कराओ जल्दी से जल्दी, सो दैट मैं आपके लिए स्टार्ट कर सकूं 10K। मेरा अभी तक का टारगेट भी 10K हम लोग करेंगे, इसके बाद ये सारी चीजें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मैनुअल डिजाइन, एडवांस लेवल पर रैबिट, एडवांस लेवल पर टेक्ला, ये सारी चीजें हम लोग लेके आने वाले हैं। वीडियोस बन चुके हैं धीरे धीरे, टीम हमारी अपडेट कर रही है यानी उसको लाइक मॉडलिंग वगैरह कर रही है अच्छे तरीके से, आपको दिखे वो सारा काम उसका चल रहा है, बट अपलोड मैं 10K के बाद करने वाला हूँ जिससे कि सामने से मैं ज्यादा रिस्पांस पा सकूं आप लोगों के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करना मत भूलना यार। चलो बाय बाय।